कि ये जो अपाची 200 का जो लेटेस्ट मॉडल आया है इसका भी मैं रिव्यू करूंगा। तो जो बंदा वीडियो बना रहा होता है उसी को पता चलता है कि वीडियो बनाने में क्या मेहनत लगती है। टीवीएस की रोनिन है ये, तो भाई सबसे खतरनाक ही लग रही है। और भाई मजे की बात ये है कि आज विक्रम का एग्जाम है और आज ही थोड़ी देर पहले हम लोग को पता चला है कि विक्रम का एग्जाम है। अपना ये जो गोप्रो और हेलमेट है इतना खतरनाक इसका रिएक्शन मिलता है ना, और लोगों को हमेशा दूसरों के ही काम जो है ना आसान लगते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल की फिर से एक नई ब्लॉग पे। तो आज जो है गाइस आप लोगों का स्वागत मोटो ब्लॉगिंग सेटअप से ही हो रहा है, क्योंकि गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं विक्रम का कॉलेज, क्योंकि विक्रम का जो है एग्जाम है। और भाई मजे की बात यह है कि आज विक्रम का एग्जाम है और आज ही थोड़ी देर पहले हम लोग को पता चला है कि विक्रम का एग्जाम है, जो कि भाई अगर मैं आप लोग को एग्जाम टाइम के बारे में बताऊँ तो लगभग जो है 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है, और भाई अभी का टाइम मैं आपको बताऊँ तो लगभग 11 बज रहा है। तो एक्चुअली गाइस हुआ क्या ना कि विक्रम का जो कॉलेज है वो लगभग जो है हम लोग के यहाँ से 12-15 किलोमीटर के आसपास के दूरी पे है, और डेली कॉलेज तो जाना होता नहीं है, तो इस वजह से विक्रम को पता नहीं था कि उसका एग्जाम है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही विक्रम को पता चला है कि एग्जाम है, जो कि 10 बजे से था भाई, और हम लोग 11 बजे अभी यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं हम लोग कितने देर में कॉलेज पहुँचते हैं। बाकी भाई साहब एक चीज़ का मतलब कि टेंशन हो रहा है कि हम लोग वहाँ पे कॉलेज जाने के बाद खाली जो वहाँ के टीचर हैं वो खाली ये ना बोल दे कि भाई तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो 10 बजे था, तुमको 10 बजे आना था, इसी चीज़ का बस खाली टेंशन हो रहा है। इसके अलावा कोई टेंशन नहीं है, 4 बजे तक का टाइम है, देखते हैं क्या होता है जाके। बाकी गाइस विक्रम का जो कॉलेज है वो लगभग जो 12-15 किलोमीटर के आसपास के दूरी पे है, और अपने इलाके का गाइस सबसे फेमस कॉलेज है जो कि पथरगामा का बारकोप कॉलेज है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, जो कि लेट तो भाई हम लोग काफी ज्यादा ही हो चुके हैं। तो चलिए गाइस जब मैं आप लोग से सीधा वहीं पे मिलता हूँ, मैं ज्यादा मोटो ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ क्योंकि हम लोग को जो है ना जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो आप लोग सिनेमेटिक शॉर्ट्स को एंजॉय कीजिए और मैं आप लोग से डायरेक्ट अब कॉलेज में ही मिलता हूँ। सो गाइज फाइनली विक्रम एग्जाम देके आ चुका है और अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। बट गाइज घर निकलने से पहले जो है ना यहाँ पे माँ योगिनी का मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करते हुए जाएंगे और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हुए निकलेंगे। तो चलिए मंदिर पे चलते हैं गाइज और जूता चप्पल खोलते हैं, इसके बाद गाइज आप लोगों से मैं सीधा मंदिर पर मिलता हूँ। कहाँ गाड़ी आगे लगाएं, आगे गाड़ी आगे लगा देते हैं छाया में। सो बॉयज़ फाइनली हम लोग मंदिर से दर्शन करके निकल चुके हैं, और भाई साहब आज मैं लाइफ में पहली बार कह सकता हूं कि हम लोग के नसीब जो है बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग का जो है ना टाइम भी ओवर हो गया था। इसके अलावा भी क्या है ना कि विक्रम को एग्ज़ाम में बैठने दे दिया। सेकंड सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जैसे ही मंदिर में घुसे दर्शन करने के लिए, और मंदिर में हम और विक्रम दर्शन किए, इसके बाद से जो है ना गेट पे वहाँ पे ताला लगा दिया गया। तो मतलब कि हम लोग जो है दर्शन फाइनली कर लिए। इसके अलावा जो है ना मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे सिनेमेटिक शॉर्ट्स वगैरह भी लिए हैं, जो कि गाइज आप लोगों ने तो पहले देख ही लिया होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर बताओ भाई कि आप लोग को सिनेमेटिक शॉर्ट्स कैसे लगे। बाकी भाई ये जो है अपना ये जो गोप्रो और हेलमेट है इतना खतरनाक इसका रिएक्शन मिलता है ना, मैं वहाँ पे कॉलेज पे था भाई और वहाँ पे 4-5 लोग मुझसे पूछने आए कि ये हेलमेट में क्या लगा है, कैसे है, क्या है नहीं है। तो मतलब कि ये तो रिएक्शन खतरनाक ही खींचता है भाई, गोप्रो का बात तो एक अलग ही है। बाकी गाइस आज जो है ना धूप भी काफ़ी तगड़ा लेवल का किया हुआ है भाई, इतना खतरनाक गर्मी पड़ रहा है ना इस धूप में, मतलब कि राइड करने में पसीना ही छूट जा रहा है। तो फटाफट से गाइस अब हम लोग घर निकलते हैं, क्योंकि मेन चैनल पर भाई अच्छा खासा काम है। मेन चैनल पर शायद आज एक भी वीडियो मतलब कि पब्लिक नहीं हुआ है, तो घर जाके एक वीडियो पब्लिक करना है। इसके अलावा ना शाम के लिए भी एक वीडियो बनाना है, तो मेन चैनल के लिए भी अच्छा खासा काम है। तो चलिए गाइज अब मैं फटाफट से मतलब कि बाइक को भगाते हुए चलता हूँ घर, और सीधा गाइज अब मैं आप लोगों से घर पे ही मिलता हूँ।
सो बॉयज फाइनली हम लोग आते आते लगभग जो है सिटी घुसने ही वाले हैं, बट हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो है अभी TVS का शोरूम पे घुस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अपाची 200 का न्यू मॉडल आया हुआ है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि रिव्यू करूँगा, जो कि अपने मेन चैनल पे डालने के लिए करूँगा। और जिनको पता नहीं है भाई, उनको मैं बता दूँ कि अपना एक और चैनल है जो कि मेन चैनल है, जिसका नाम RB ऑटोमोबाइल है, उस पर जो अभी 43 सब्सक्राइबर, मतलब कि 43K सब्सक्राइबर के करीब में है। तो अगर आप लोगों ने मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और भाई ये रहा अपने यहाँ का TVS शोरूम, जो कि बाहर में भी कुछ कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बट अभी अंदर चल के देखते हैं कौन कौन सी और बाइक्स हैं। सो गाइज, अभी मैं आया हुआ था TVS के शोरूम पे, और जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो अच्छा खासा मतलब कि बाइक्स लगा हुआ है TVS का। एंड अभी गाइज मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि ये जो अपाची 200 का जो लेटेस्ट मॉडल आया है, इसका भी मैं रिव्यू करूँगा। इसके अलावा जो ये जो अपने TVS की रोनिन है, ये तो भाई सबसे खतरनाक ही लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि अभी जो है ना इन दोनों को रिव्यू करेंगे, और यहाँ पे जो है रिव्यू करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर की ओर। तो आप लोग गाइज तब तक जो है बिहाइंड द सीन चेक कीजिए कि मैं जो हूँ कैसे रिव्यू करता हूँ मेन चैनल के लिए। अब सबसे पहले मैं आप लोग को इस TVS रोनिन का जो है ना, सबसे पहले मैं आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ। सो इसका जो सबसे जो लेटेस्ट DS6 फेज 2 मॉडल है, जो कि 20 वाला जो मॉडल है, इसका जो ऑन रोड प्राइसिंग दोस्तों वो लगभग आप लोग को 2,04,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा। अगेन भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रोनिन है, इसका जो है सबसे टॉप मॉडल। तो गाइज फाइनली हम लोग TVS शोरूम से निकल चुके हैं, और भाई साहब हालत आज ख़राब हो चुका है, क्योंकि धूप इतना तगड़ा है, ऊपर से भूख भी लग रहा है ना। लोग कहते हैं भाई कि YouTube वीडियो बनाने में क्या ही मेहनत लगता है, क्या ही करता है, वीडियो ही तो बनाता है, बट एक्चुअल में गाइज जो वीडियो बना रहा होता है ना, उसी को पता होता है कि वीडियो बनाने में क्या मेहनत लगती है। भाई साहब धूप धूप में बाइक को राइड करो, कॉन्टेंट बनाओ, इसके अलावा शोरूम जाओ, शोरूम जाके बाइक रिव्यू करो, वो भी क्या जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के एनर्जेटिक के साथ बनाओ, वो भी क्या खाली पेट बनाओ। तो जो बंदा वीडियो बना रहा होता है उसी को पता चलता है कि वीडियो बनाने में क्या मेहनत लगती है। और लोगों को हमेशा दूसरों के ही काम जो है ना आसान लगते हैं, बट एक्चुअल में जो बंदा उस काम को कर रहा होता है ना, उसी को पता रहता है कि कितना ज़्यादा मेहनत है एक वीडियो बनाने में। बाकी गाइज अभी हम लोग फिलहाल निकल रहे हैं घर की ओर, टाइम भी लगभग जो है 2 बज चुका है। तो गाइज अब घर चलते हैं, घर जाके थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, इसके बाद आगे का जो ब्लॉग है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज ये जो ब्लॉग है ये लगभग 5-6 दिन बाद कंटिन्यू हो रहा है। एक्चुअली गाइज हुआ क्या ना था कि ये जो ब्लॉग है इसको मैं एंड करना ही भूल गया था, और इस ब्लॉग को अभी मैं एडिट कर रहा था तब जाके मुझे पता चला कि इसको जो है एंड भी करना है। तो इस ब्लॉग को गाइज हम लोग फिलहाल एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले भाई मैं आप लोग को मेन चैनल का थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। तो मेन चैनल के जो है ना अभी काफी सारा मैंने जो है कॉन्टेंट लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इतना सारा कॉन्टेंट है, जिसमें से कि 2 वीडियो अभी बनाना है, जो कि आज ही के आज जो है मेन चैनल पे अपलोड करना है। बाकी विक्रम जो है अभी थंबनेल बनाने के लिए जो है बैठ चुका है। तो इस ब्लॉग को भी गाइज फिलहाल एंड करते हैं, क्योंकि मेन चैनल पे ना बहुत ज्यादा काम करना है। काम करने से पहले सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो इस ब्लॉग को गाइज अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो ब्लॉग है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस ब्लॉग में गाइज फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड ऑल्सो राइट सेफ।